हेलो प्यारे बच्चों नमस्कार कैसे हैं आप सभी एक बार बता दीजिए कि आवाज़ की क्वालिटी वीडियो की क्वालिटी सब चीज़ ठीक है बिल्कुल बढ़िया हैं कैसे हैं आप सभी एक बार बताइए जितने भी प्यारे बच्चे हैं फटाफट से एक बार वीडियो को शेयर कीजिए और प्यारे बच्चों जैसे आपको पता है कि आज का जो क्लास होने वाला है बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है क्योंकि आज की क्लास में हम लोग बायोलॉजी पढ़ने वाले हैं और बायो का चैप्टर फाइव को हम क्या करने वाले हैं स्टार्ट करने वाले हैं और ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसमें से बहुत सारा ऐसा क्वेश्चन है जो आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में डायरेक्ट पूछा जाता है सब्जेक्टिव भी पूछा जाता है इसलिए इसका थ्योरी करना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा प्यारे बच्चों जरूरी है तो चलिए सभी प्यारे बच्चों का वेलकम है आस्क बोर्ड के स्टडी प्लेटफॉर्म

यहाँ पे आपको पता है कि आज का जो क्लास होने वाला है किसका होने वाला है बायोलॉजी का होने वाला है और ये प्यारे बच्चों चैप्टर फाइव हम लोग पढ़ने वाले हैं वंश गति एवं विविधता यानी प्यारे बच्चों की वंश गति और उसमें कौन कौन सी प्यारे बच्चों की विभिन्नताएं होती है इसका जो सिद्धांत होता है इसको इसमें स्टडी किया जाता है तो वही हम लोग क्या करने वाले हैं स्टडी करने वाले हैं तो आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्यारे बच्चों यहाँ पे क्या कीजिएगा चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर दीजिए बेलाइकन को प्रेस करके ऑल पे कर लीजिए और लाइक नहीं किए हैं प्यारे बच्चों फटाफट से लाइक

यहाँ पे जितने भी सारे बच्चे हैं नंबर नोट कीजिए मेरा बासठ निन्यानबे चौबीस नवासी पैंतीस आप इस पे संपर्क करके पीडीएफ और नोट्स के बारे में जानकारी ले सकते हैं और प्यारे बच्चों पीडीएफ और नोट्स प्राप्त कर सकते हैं तो सभी बच्चे एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए और बोल दीजिए यस की क्लास को शुरू कर दिया जाए जितने भी सारे बच्चे हैं फटाफट से एक बार यस बोलेंगे ताकि क्लास को हम शुरू कर दें सभी बच्चे एक बार यस बोलिए ताकि क्लास को एकदम शुरू कर दिया जाए चलिए सभी बच्चे बोलें यस क्लास को शुरू कीजिए तो चलिए प्यारे बच्चों क्लास को शुरू करते हैं और पहला टॉपिक है कि आप देखिए वंशगति क्या होता है वंशगति किसे कहते हैं वंश गति यानी प्यारे बच्चों वंशगति क्या होता है जो मतलब वंश दर वंश चलते रहता है जैसे इसका डेफिनेशन हम लोग देख लेते हैं कि लक्षणों का जन को यानी माता पिता से संतान में स्थानांतरित वंश गति कहलाता है यानी जो माता पिता में हो क्या हो वो हमारे में भी हो है ना तो प्यारे बच्चों से हम लोग क्या कहते हैं वंश गति कहते हैं जैसे माता पिता मान लीजिए कि छोटे छोटे होते हैं यानी बोने होते हैं उनका पुत्र भी बौना हो गया तो ये क्या कहालाता है वंश दर वंश यानी वंश गति ये वंश यानी माता पिता से क्या हो रहा है वंश में जा रहा है संतान में जा रहा है तो ये क्या कहलाएगा वंश गति जैसे कितने माता पिता होंगे जिनके आंखें एकदम भूरी होती होगी और बच्चों को भी क्या होता है बच्चे जो होते हैं उनकी भी आंखें एकदम क्या होती है भूरी भूरी होती है और कितने माँ बाप होते हैं जिन क्या होते हैं जो लंबे होते हैं एकदम है ना लंबे लंबे उनके पुत्र भी क्या होते हैं एकदम लंबे होते हैं कितने माता पिता एकदम गोरे होते हैं उनके पुत्र भी क्या होते हैं पुत्र भी यानी उनकी जो संतानें होती हैं वो क्या होती है एकदम गोरी गोरी होती है कितने लोग होते हैं काले होते हैं संतान भी काले होते हैं तो प्यारे बच्चों इसी लक्षण को हम लोग क्या कहते हैं इसी लक्षण को कहते हैं वंशगति जो हमारे माता पिता में हो है ना वही लक्षण क्या हो प्यारे बच्चों हमारे में हो तो वही क्या कहलाता है वंशगति यानी यह वंश दर वंश ये चलता रहेगा जैसे प्यारे बच्चों यहाँ पे किसी मान लीजिए कि कोई मतलब माता पिता है ना वो बौना है उसका बेटा भी क्या हो गया बौना हो गया फिर उसका भी संतान हुआ वो भी क्या हो गया बौना हो गया यानी संतान दर संतान चलता रहे यानी यहाँ पे वंश दर वंश चलता रहे उसी को हम लोग क्या कहते हैं प्यारे बच्चों वंश गति कहते हैं तो वंश गति आपको समझ में आ गया कि वंश गति क्या होता है तो वंश गति आपको याद रखना है कि लक्षणों को जनक हो यानी लक्षणों का जनक हो जैसे माता पिता जनक जैसे क्या जनक जो जन्म दिया है माता पिता का जन्म दिया है जो माता पिता ने जन्म दिया है वहीं प्यारे बच्चों क्या संतान में क्या हो जाए स्थानांतरित हो जाए यानी जो गुण माता पिता में है वो गुण संतान में आ जाए तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं वंश गति कहते हैं ठीक है थीके? तो ये आप लोग इतना ध्यान में रखिएगा अब देखिए अगला है कि विविधता क्या होता है विविधता मने प्यारे बच्चों यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि क्या होती हैं, है ना? तो विविधता तो किसे कहते हैं सबसे पहले एक बार डेफिनेशन देखेंगे कि विविधता क्या है कि जनक एवं देखिए संतति में पाए जाने वाली असमानताओं को क्या असमानताओं को हम लोग क्या कहते हैं प्यारे बच्चों विविधता कहते हैं जैसे आपको एक एग्जाम्पल दे दें कि माँ बाप क्या है प्यारे बच्चों काले काले हैं ठीक है जो हमारे प्यारे बच्चों क्या है जनक है जनक यहाँ पे माँ बाप हो गए जनक क्या होगा माँ बाप हो गए जनक क्या है प्यारे बच्चों काले काले हैं ठीक है ठीके? और पुत्र क्या हो गया ये जो पुत्र हुआ वो, वो क्या हो गया गोरा हो गया है ना तो ये क्या हो गया असमानता इसे क्या कहेंगे विविधता माँ बाप क्या है छोटे छोटे हैं लेकिन जो उनका संतान है वो क्या हो गया लंबा हो गया एकदम टॉल हो गया लंबा हो गया तो वो क्या होगी विविधताएं होगी माँ बाप क्या है प्यारे बच्चों माँ बाप की आंखें भूरी नहीं है लेकिन पुत्र यानी जो संतान हुआ उसकी आंखें भूरी हो गई तो ये जो चीज कहलाती है ये होती है विविधता यानी विभिन्नताएं कौन कौन सी होती है तो यहाँ पे आपको वंश गति भी समझ में आ गया और प्यारे बच्चों क्या विभिन्नताएं भी समझ में आ गई जैसे माता पिता काले हैं ठीक है और बच्चा हो गया गोरा तो क्या होता है कि माता पिता काले और बच्चा हो गया गोरा तो विभिन्नता हो गई है ना और माता पिता गोरा बच्चा हो गया काला तो सब लोग पूछते हैं कि माए बाप गोर है बच्चा काला कहा से हो गया चाहे ऐसे बोला जाता है कि माँ बाप तो काले थे बच्चा गोर कैसे हो गया तो ये क्या होती है विभिन्नताएं होती है ठीक है विविधता होती है तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा कि विविधता क्या होती है एक बार बताइए बता दीजिए कि विविधता आपको समझ में आ गया कि जनक एवं संतति यानी जनक मतलब माता पिता और जो संतान में पाए जाने वाली क्या होगी असमानता होगी यानी माता पिता और संतान में जो भी असमानताएं होंगी उसे हम लोग क्या कहेंगे प्यारे बच्चों विविधता कहेंगे क्लियर हो गया अब चलिए अगला जो है यहाँ पे अगला है कि अनुवांशिकी यानी जेनेटिक्स क्या होता है बहुत बढ़िया क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम के लिए होता है और एक एक पॉइंट को समझिएगा ताकि ऑब्जेक्टिव आपसे एक भी छूटे ना सब्जेक्टिव आपको रटना ना पड़े ठीक है अब यहाँ आप देखिए कि अनुवांशिकी किसे कहते हैं अनुवांशिकी के पिता किसे कहा जाता है तो ग्रेगर जोन मेंडल को कहा जाता है अभी सारी चीजें हम लोग पढ़ेंगे तो आप लोग कृपया करके वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा अनुवांशिकी किसे कहा जाता है जेनेटिक्स किसे कहा जाता है तो जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत वंश गति और यहाँ पे याद रखिएगा विविधता का अध्ययन किया जाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं अनुवांशिकी कहते हैं समझ गए अनुवांशिकी किसे कहेंगे तो अनुवांशिकी में क्या वंश गति और जो विविधता है इसके अध्ययन को यानी दोनों के अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं वंश यहाँ पे क्या कहते हैं प्यार बच्चों याद रखना है अनुवांशिकी कहते हैं अगर आपसे पूछेगा अनुवांशिकी किसे कहते हैं तो अनुवांशिकी किसे कहते हैं तो जिसमें किसका अध्ययन किया जाए वंश गति का और विविधता का दोनों का अगर अध्ययन किया जा रहा है तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं अनुवांशिकी कहते हैं ठीक है तो ये आप लोग याद रखिएगा तो यहाँ पे देखिए अब यहाँ पे अनुवांशिकी है तो इसमें किस किस का अध्ययन करना है वंश गति यानी जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहती है जो माँ बाप में लक्षण है वो क्या होगा पुत्र में भी लक्षण होगा इसको भी अध्ययन करना है इसके अंतर्गत अनुवांशिकी के अंतर्गत और इसको भी अध्ययन करना है कि जो माँ बाप में गुण है वो जो जनक में है वो क्या हो प्यारे बच्चों जो उसकी संतान हो उसमें क्या हो विभिन्न हो जैसे आंखें भूरी है माँ बाप की और पुत्र की आंखें भूरी नहीं है माँ बाप बौने हैं पुत्र लंबा है चाहे माँ बाप लंबे हैं लेकिन उनका जो संतान हो गया वो नाटा हो गया बौना हो गया तो ये जो विविधता है इसका भी अध्ययन करना है और जो वंश गति है उसका भी अध्ययन करना ही हमारा क्या कहलाता है अनुवांशिकी कहलाता है क्लियर हो गया यहाँ पे आपको देखिए अब आप देखिए अनुवांशिकी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था ऑब्जेक्टिव में पूछेगा कि अनुवांशिकी का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था तो प्यारे बच्चों यहाँ पे आप लोग ध्यान रखिएगा कि आप लोग क्या जवाब देंगे आपका जवाब क्या होना चाहिए कि यहाँ पे की बी यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटसन बी जो यहाँ पे मतलब डब्ल्यू बेटसन जो थे यहाँ पे आपको याद रखना है कि इन्होंने ही क्या किया था प्यार बच्चों आपको याद रखना कि सर्वप्रथम प्रयोग किया था अनुवांशिकी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग डब्ल्यू वाटसन ने किया था ठीक है तो ये आपको याद रखना है और अनुवांशिकी के पिता या जनक किसे बोला जाता है जनक का मतलब होता है माता पिता है ना यानी अनुवांशिकी के जनक कौन है तो आपको याद रखना है ग्रेगर जोन मेंडल क्या है अनुवांशिकी के जनक है इतना क्लियर हो गया वंश गति क्या होता है विविधता क्या होता है और अनुवांशिकी किसे कहते हैं अनुवांशिकी वो उसे कहते हैं जिसमें क्या वंश गति और विविधता दोनों को क्या किया जाए अध्ययन किया जाए उसी को हम लोग अनुवांशिकी कहते हैं और प्यारे बच्चों अनुवांशिकी शब्द का प्रथम प्रयोग किसने किया था डब्ल्यू बटसन ने, ने किया था बेटसन ने किया था सॉरी डब्ल्यू बटसन ने किया था और प्यारे बच्चों उसके पिता कौन है अनुवांशिकी के तो ग्रेगर जोन मेंडल है क्लियर हो गया एक बार बताइए अब चलिए अगला पॉइंट है कि जिन क्या होते हैं जिन बच्चों क्या होता है जिन जिन क्या होता है यहाँ पे समझिए कि जिन को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचाता है है ना, ना? जो अनुवांशिक लक्षण होते हैं जैसे मां बाप की आंखें भूरी है तो जिन के द्वारा वो क्या होगा पहुंचाएगा तो इसे क्या कहते हैं जिन कहते हैं तो यहाँ पे आपको याद रखना कि जिन क्या है कि जिन अनुवांशिक लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में क्या करता है पहुंचाता है अनुवांशिक लक्षणों को क्या करता है एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में पहुंचाने का कार्य कौन करता है तो जिन करता है तो ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा कि जिन का कार्य क्या होता है तो अनुवांशिक लक्षणों को क्या करता है एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में पहुंचाता है तो यहाँ पे आपको जिन के बारे में भी पता लग गया कि जिन ये होता क्या है तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले कि मेंडल इसे क्या कहा अब जिन को मेंडल ने क्या कहा था कारक ये सब ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है और इसी टाइप का ऑब्जेक्टिव दे देगा तो आप लोगों से नहीं बनेगा तो ये थ्यूरी करना जरूरी है कि अगर अगर आपसे पूछ दिया जाए कि जिन अनुवांशिकी लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में पहुंचाता है लेकिन मेंडल ने इसे क्या कहा था मेंडल ने इसे कारक का नाम दिया था क्या नाम दिया था कारक का नाम दिया था ठीक है अब देखिए कि जिन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था जोहानसन याद रखना है जिन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था अगर एग्जाम में पूछ देगा कि जिन का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था तो आपको बताना है कि जो हानसन ने किया था तो साथ साथ ऑब्जेक्टिव भी क्लियर करते चलिए ये एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है अब देखिए यहाँ आप देखिए एलील क्या कहलाता है यहाँ पे अगर आपसे पूछा जाए कि एलील क्या कहलाएगा एलील है ना एलील क्या कहलाता है एलील क्या कहलाता है तो आपका जवाब क्या होना चाहिए अगर पूछेगा कि एलील क्या कहलाता है तो एलील किसे कहते हैं एक बार बताइए एलील किसे कहा जाता है तो एलील कहा जाता है जोड़ी को किसे कहा जाता है जोड़ी को जोड़ी को जोड़ी को क्या कहते हैं एक जोड़ा को यानी जोड़े को हम लोग एलील कहते हैं ठीक है थीके? याद रखना है कि जोड़ी को जैसे प्यारे बच्चों यहाँ पे क्या हो गया जोड़ी को जैसे इस कैपिटल टी कैपिटल टी ये लंबेपन को दर्शाता है स्मॉल टी स्मॉल टी क्या करता है बौनेपन को दर्शाता है तो ये क्या है जोड़ी है ये क्या है प्यारे बच्चों जोड़ी है ये भी क्या है जोड़ी है तो एलील का मतलब क्या होता है जोड़ी होता है ठीक है एलिल का मतलब क्या होता है जोड़ी होता है तो यहां पे समझिएगा कि एलिल क्या होता है तो यहां पे याद रखेगा कि एक ही के विभिन्न रूपों को एलील या यहाँ पे क्या युगम विकल्पी कहते हैं यानी एक ही जिन के विभिन्न रूप को यानी कहने का मतलब क्या एक ही जिन के विभिन्न रूप को यानी यहाँ पे देख लीजिए ये क्या है एक जिन है इसका एक और जिन है इसको हम लोग क्या कहेंगे इसका जो विभिन्न रूप होगा इसी को एलिल कहा जाता है तो या विगम विकल्प यानी युग्म विकल्पी भी इसको कहा जाता है तो यहां पे याद रखिएगा जैसे क्या ये क्या कहलाता है लंबेपन को दर्शाता है ये क्या करता है लंबे पन को दर्शाता है और ये प्यार बच्चों स्मॉल टी स्मॉल टी क्या है ये भी अलील है ये बौनेपन पन को दर्शाता है ये क्या करता है बोनेपन को दर्शाता है तो यहाँ पे याद रखिएगा एलील क्या है एक ही जिन के विभिन्न रूपों को यानी ये एक जिन है इसके विभिन्न रूपों को ही हम लोग क्या कहते हैं प्यार बच्चों एलील या विकल्पी भी कहते हैं ये आपको ध्यान में रखना है उदाहरण के लिए लंबा और यहाँ देखिए बोना यहां देखिए समान जिन के विभिन्न रूप है ठीक है जैसे प्यार बच्चों ये तो हमारा बोनापन हो गया अब उदाहरण देखिए लंबा पर और बोनापन समान जिन के विभिन्न रूप है यानी ये क्या हो गया प्यार बच्चों ये लंबापन हो गया ये हमारा बोनापन हो गया तो ये क्या

एलील कहा है यानी विपरीत लक्षणों की जोड़ी को क्या कहा है मेंडल ने तो प्यारे बच्चों इसके कहा है एलील यानी एलील का मतलब ही होता है जोड़ा तो इतना आपको क्लियर हो गया होगा एक बार क्लियर कीजिए हो गया एक बार क्लियर कीजिए बहुत बढ़िया अब चलिए अगला है कि आप देखिए फिनोटाइप क्या होता है फिनोटाइप जीनोटाइप, फिनोटाइप ये आपने बहुत बड़ा पढ़ा होगा बहुत बार पढ़ा होगा कि फिनोटाइप क्या है जीनोटाइप क्या है लेकिन आज आपको पूरा तरह से क्लियर हो जाएगा फिनोटाइप क्या है देखिए अगर आप बात किया जाए कि फिनोटाइप क्या है तो याद रखिएगा किसी जीव के बाह्य लक्षणों को हम लोग क्या कहते हैं फिनोटाइप कहते हैं किसी जीव के बाह्य लक्षणों को हम लोग क्या कहते हैं फिनोटाइप कहते हैं यहाँ पर जो जीव में बाहर से ही दिखाई दे जैसे पैर बच्चों उदाहरण के लिए आंख का रंग पौधे का लंबाई या बौनापन बोन, है ना नहीं समझ में आ गया यहां पे समझिए कि यहां पे अगर आपसे पूछा जाए कि अगर कि फिनोटाइप क्या होता है तो किसी जीव के बाह्य लक्षण यानी मान लीजिए कि, कि कोई पुरुष ही है यहाँ पे उसका बाह्य लक्षण क्या है जैसे माता का भी आंख क्या है भूरा है और यहाँ पे मान लीजिए और उसके संतान जो हो रहा है उसका भी आंख भूरा है तो ये बाह्य लक्षण हो गया जैसे आंखों का भूरापन बौनापन बौनापन हो गया जैसे माता क्या है माता पिता यानी जो जनक है लंबे लंबे है, जो पुत्र है जो संतान है वो बौना है तो वो क्या हो गया बाह्य हो गया तो ये हमारा क्या कहलाएगा प्यारा बच्चों बाह्य कहलाएगा यानी कहने का मतलब क्या जिनो कहलाएगा यानी किसी जीव के बाह्य लक्षणों को हम लोग क्या कहते हैं फिनो जो लक्षण अगर बाह्य दिखाई दे जो बाहरी लक्षण होते हैं है ना जो बाहरी लक्षण होते हैं उसी को हम लोग क्या कहते हैं प्यारे बच्चों तो फिनोटॉप कहते हैं ठीक है वहां पे याद रखना किसी जीव के बाह्य लक्षणों को ही हम लोग क्या कहते हैं यानी आपको याद रखना है यहाँ पे याद रखना है हैं किसी जीव के बाह्य लक्षणों को ही हम लोग फिनोटॉप कहते हैं अब देखिए जीनोटॉप क्या होता है यहाँ पे समझिएगा जीनोटॉप जीनोटॉप क्या कहते हैं तो जीव की जीनी संरचना को हम लोग क्या कहते हैं जीनोटॉप कहते हैं जीव की जीनी संरचना को क्या किसी जीव की जो जीनी संरचना होगी उसे हम लोग क्या कहेंगे जीनोटॉप कहेंगे अर्थात जीनोटॉप जीव की अनुवांशिक यहां देखिए संगठन को प्रदर्शित करता है जीनोटोप क्या करता है याद कर लेना है जीवो की अनुवांशिक संगठन को यह प्रदर्शित करते हैं अनुवांशिक की है ना प्यार बच्चों ये आगे, आगे आपको समझ में आएगा अभी ये अभी आपको समझ में नहीं आएगा जब हम कराने लगेंगे ना ये सारी चीजें आपको समझ में आएंगे ठीक है तो यहां तक आपको क्लियर हो गया अब देखिए जीन बिंदु क्या है जिन बिंदु क्या कहलाते ये सारी चीजें जानिएगा तभी आगे का आपको समझ में आएगा ठीक है चलिए जिन बिंदु क्या है तो जिन बिंदु क्या होता है कि गुण सूत्र के यहाँ देखिए जिस स्थान पर जीन पाए जाते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं प्यार बच्चों जिन बिंदु कहते हैं गुण सूत्र के जिस स्थान पर जिन पाया जाता है जैसे ये मान लीजिए प्यार बच्चों क्या ये हमारा क्रोमोजूम है ठीक है इसमें क्या होते हैं जिन उपस्थित होते हैं ना ये मान लीजिए कि जिन इसमें क्या होते हैं उपस्थित होते हैं यानी कहने का मतलब ये हुआ कि गुण सूत्र के जिस स्थान पर जिन पाए जाते हैं उसे क्या कहते हैं

यहाँ पे आप लोग समझिएगा कि सम युगमकी किसे कहते हैं ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सब में पूछा जा सकता है कि सम युगमकी किसे कहते हैं तो आपको इतना ध्यान रखना अं है कि सम युगमकी किसे कहेंगे सम युगमकी कहते हैं किसको तो जब एक लक्षण के दो जीन समान प्रकार के होते हैं जब एक लक्षण के दो जीन क्या होते हैं समान प्रकार के होते हैं जैसे ये कैपिटल टी कैपिटल टिल क्या हो गया ये लंबापन को दर्शाता है तो एक ही क्या है लक्षण के दो जीन है इसमें एक ही लक्षण के दो जीन है या एक एक जो बोनेपन को दर्शाता है ये भी एक ही लक्षण के दो जीन है ये भी एक ही लक्षण के दो जीन है इसी को हम लोग क्या कहेंगे समयुग्मी समयुग्मी यानी जब एक लक्षण के दो जीन समान प्रकार के होते हैं जब एक लक्षण के दो जीन समान प्रकार के होते हैं तो प्यारे बच्चों उसी को हम लोग क्या कहते हैं समयुग्मजी यानी समयुग्मकी कहते हैं जैसे प्यारे बच्चों उदाहरण के लिए देख लीजिए लंबापन और बौनापन ये कैपिटल टी किसको दर्शाता है लंबापन को बौनापन किसको दर्शाता है स्मॉल टी ठीक है तो ये आपको ध्यान में रखना है कि समयुग्मकी किसे कहते हैं तो समयुग्मकी किसे कहेंगे प्यारे बच्चों तो समयुग्मकी किसे कहेंगे ध्यान में रखिएगा समयुग्मकी किसे कहते हैं जब एक लक्षण के दो जिन समान प्रकार के होते हैं है ना उसको क्या कहते हैं समयुग्मकी जैसे प्यार बच्चों कैपिटल टी कैपिटल डी जो लंबे पन को दर्शाता है टी, टी, दर्शाता है अब देखिए अगला है कि विषम युग्मकी क्या होता है विषम युग्मकी क्या होता है ये बताइएगा यहाँ पे विषम युग्मकी क्या होता है तो याद रखिएगा विषम युग्मकी की बात करें कि एक यहां पर यदि एक ही लक्षण के दो जीन यहाँ पे क्या हो असमान या अलग अलग हो उसे हम लोग क्या कहते हैं समयुग्मकी कहते हैं है ना यहाँ पे याद रखिएगा कि और की बात किया जा रहा है क्या जब एक ही लक्षण के दो जीन आपस में समान हो तो समयुग्मकी अब एक ही आप देखिए लक्षण के दो जीन एक ही लक्षण के दो जीन हो लेकिन जीन क्या हो असमान हो यानी एगो लंबापन है बौनापन को ले लीजिए एक ही लक्षण के दो जीन है लेकिन ये क्या है असमान है क्या है असमान है असामान्य तो ये क्या कहलाएगा प्यार बच्चों ये हमारा कहलाएगा विषम युग्म की है ना यानी समझिएगा कि यदि एक ही लक्षण के दो जीन, यदि एक ही लक्षण के दो जीन क्या हो असमान हो अलग अलग हो तो इसे हम लोग क्या कहते हैं प्यारे बच्चों हम लोग कहते हैं क्या विषम युगम की जैसे प्यारे बच्चों संकर लंब पौधा और यहाँ देखिए टीटी जैसे प्यारे बच्चों यहाँ पे क्या हो जाएगा यहाँ पे हमारा विषम युगमकी ये हो जाएगा जैसे टी और टी ठीक है तो ये आपको याद रखना है ठीक है जैसे प्यारे बच्चों यहाँ देखिए संकरण कराया जाता है यहाँ पे मान लीजिए कि कैपिटल टी कैपिटल टी ठीक है लंबापन को और बोनापन को जब हमने संकरण कराया प्यारे बच्चों पहले तो प्यारे बच्चों इसका हमने क्या बनाया यहाँ पे इसका यहाँ पे इसके क्या बनाया प्यारे बच्चों जनक बनाया हमने तो यहाँ पे क्या हो गया टी हो गया टी हो गया और इसके भी बनाए हमने प्यारे बच्चों तो यहाँ पे क्या हो गया स्मॉल टी हो गया स्मॉल टी हो गया ध्यान में रखिएगा यहाँ पे क्या हो गया स्मॉल टी स्मॉल टी तो हमने जब प्यारे बच्चों क्या किया युग्मक बनाया जब इसका क्या बनाया हमने इसका कैपिटल टी कैपिटल टी का युगमक स्मॉल टी स्मॉल टी का युग्मक बनाया तो जब हमने टी का क्रॉस कराया इसके साथ फिर इसी टी का क्रॉस कराया किसके साथ इसके साथ फिर इस टी का क्रॉस कराया इसके साथ फिर टी का क्रॉस कराया इसके साथ तो हमको क्या प्राप्त हुआ कैपिटल टी स्मॉल टी फिर कैपिटल टी स्मॉल टी फिर कैपिटल टी यहाँ पे क्या स्मॉल टी और फिर कैपिटल टी स्मॉल टी कैसे टी फिर को क्या कराया फिर टी से कराया फिर टी को किस किससे कराया टी से फिर टी को टी से कराया फिर टी को टी से कराया तो ये हमको प्राप्त हुआ हु तो ये जो होते हैं ना प्यार बच्चों ये क्या होता है संकरलम पौधे होते हैं और यहाँ पे क्या है? होता है प्यारे बच्चों जो हमारा विषम युग्मकी होता है यानी हमारा क्या होता है लंबापन बोनापन है ना इसमें क्या होता है जो बोनापन होता है ना जो लंबापन होता है ना वो क्या करता है को को प्रभाव क्या कर देता देता है 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 पे छुपा इसमें जो लंबापन होता ना ये जो लंबापन टी होता है ये को को प्रभाव क्या करता है दबा देता है छिपा देता है तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा नहीं भी आया होगा तो हम है ना समझाएंगे चलिए अब यहाँ पे देखिए अगर आपसे पूछा जाए कि विषम युगम की क्या होता है तो एक ही लक्षण के दो जिन या असमान यहाँ पे क्या असमान अलग अलग होते हैं उसे क्या कहते हैं विषम युगमकी बोलते हैं जैसे प्यारे बच्चों हम संकरण कराए लंबेपन का ये देखिए लंबापन हो गया लंबापन को टीटी से दर्शाते हैं और बोना को टी से जब इसका हम युग्मक बनाएंगे प्यार बच्चों तो यहाँ पे क्या बनेगा टी और टी इसका भी चलिए हम युग्मक बनाते हैं तो यहाँ पे हो गया स्मॉल स्मॉल टी टी जब इसका प्यार बच्चों क्या हम संकरण कराएंगे प्यार बच्चों यहाँ पे तो ये क्या होगा एक टी इसके साथ करेगा फिर ये टी किसके साथ करेगा इसके साथ फिर ये टी किसके साथ करेगा इसके साथ फिर ये टी किसके साथ करेगा इसके साथ करेगा तो हमको क्या प्राप्त होता है टी टी है ना फिर टी टी फिर हमको क्या प्राप्त होता है टी टी और प्यारा बच्चों टी टी यही प्राप्त होगा टी में टी फिर टी से टी टी से टी टी से टी तो ये हमारा क्या होता है प्यारा बच्चों संकरण लंब पौधा होता है तो ये आपको ध्यान में रखना है अब देखिए कि लक्षण क्या होता है लक्षण अब आगे है प्यारे बच्चों की लक्षण क्या होता है लक्षण किसे कहते हैं तो किसी जीव के आकार के संबंधी विशेषताओं को हम लोग क्या कहते हैं लक्षण कहते हैं यानी अगर आपसे पूछा जाए कि, कि किसी जीव के आकार के संबंधित तो विशेषताओं को क्या कहते हैं लक्षण है ना यानी प्यारे बच्चों आकार से अगर संबंधित होगा आकार से ठीक है यानी लंबा छोटा ये आकार से अगर संबंधित होगा तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं प्यारे बच्चों लक्षण कहते हैं जैसे प्यारे बच्चों पौधों की लंबाई हो गया यहाँ पे मान लेते हैं प्यारे बच्चों क्या कि इसको मान लेते हैं कि इसको मान लेते हैं यहाँ पे कि मान लीजिए कि कोई आदमी लंबा है जनक लंबा है और पुत्र क्या है छोटा है यानी क्या हो रहा है पूरा असमान हो रहा है कि माता पिता लंबे और पिता पुत्र जो हो रहा है वो छोटा एकदम बवना है ना तो आकार के संबंधित जो होगा ना उसी को हम लोग क्या कहते हैं प्यारा बच्चों लक्षण कहते हैं ठीक है लक्षण कहते हैं ठीक है ठीके? तो ये आप लोग याद रखिएगा जैसे लंबापन बौनापन है ना तो ये आपको ध्यान में रखना है अब देखिए विशेषक किसे कहते हैं ये भी आपको जान लेना जरूरी है कि विशेषक क्या है तो देखिए किसी लक्षण के दो विभिन्न उपलक्षणों को हम लोग क्या कहते हैं विशेषक कहते हैं यानी यहां पे याद रखिएगा विशेषक किसे कहेंगे तो किसी लक्षण के दो विभिन्न उपलक्षण उपलक्षण कौन सा हो गया यहां पे याद रखिएगा हो हो गया लंबापन और दूसरा क्या हो गया बौनापन अब इससे जो बनेगा ना प्यारे इससे जो बनेगा वो क्या कहलाएगा हमारा विशेषक कहलाएगा इससे जो बनेगा वो हमारा क्या कहलाएगा विशेषक कहलाएगा तो विशेषक किसे कहेंगे तो किसी लक्षण के दो विभिन्न उपलक्षण जैसे बोनापन और यहाँ पे लंबापन क्या है विभिन्न उपलक्षण है इसी से जो बनता है उसको क्या बोलते हैं विशेषक बोलते हैं तो यहाँ पे आपको विशेषक भी समझ में आ गया होगा कि विशेषक आखिर होता क्या है समझ में आ गया एक बार बता दीजिए एक बार बता दीजिए कि समझ में आ गया एक बार बता दीजिए कि समझ में आ गया कि विशेषक क्या होता है तो किसी लक्षण के दो विभिन्न उपलक्षणों को हम लोग क्या कहते हैं जैसे लंबापन बौनापन को हम लोग क्या कहेंगे विशेषक कहेंगे ठीक है क्लियर हो गया चलिए अब आगे बढ़िए कि युग्मक क्या होता है गैमेट्स गैमेट्स क्या होता है युग्मक क्या होता है तो प्यारे बच्चों हमने समझाया था कि जब नर जनन शुक्राणु और आपस में और मादा जनन अंडाणु आपस में क्या करते हैं प्यारे बच्चों युगमनज का निर्माण करते हैं है ना तो ये आप लोग याद रखिएगा कि युग क्या होता है तो यह देखिए यह एक परिपक्व को जनन कोशिका होती है क्या होती है जनन कोशिका होती है जैसे नर जनन शुक्राणु हो गया मादा जनन अंडाणु हो गया इसके संलयन करने से नए जीवों का क्या होता है निर्माण होता है जैसे प्यारे बच्चों नर युग्म मादा युग्मक तो ये क्या होता है युगमानज जो कि हमने आपको बहुत पहले भी पढ़ा रखा है कि युग आखिर होता क्या है तो याद रखना है कि यह एक परिपक्व जनन कोशिका होती है क्या होती है जनन कोशिका होती है जो क्या करती है संलयन करके जीवों का निर्माण करती है जैसे नर ज, नर जनन शुक्राणु हो गया मादा जनन अंडाणु आपस में संयोग करके क्या करती है युगमनज करती है फिर भ्रूण फिर क्या करती है भ्रूणपोष का निर्माण करती है जिससे नए संतान की उत्पत्ति होती है तो युगमनज आपको समझ में आ गया होगा युग्मक यानी गेमिट्स आपको समझ में आ गया होगा कि युगमक क्या होता है ठीक है अब देखिए युगमक के प्रकार ये नर युग्म होते हैं और मादा युगमक भी होते हैं ठीक है तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया अब देखिए संकरण क्या होता है हाइब्रिडाइजेशन याद रखिएगा संकरण देखिए संकरण क्या होता है कि जब दो अलग अलग लक्षणों वाले जीवों के बीच निषेचन कराया जाए तो इस क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं प्यार बच्चों संकरण कर कहते हैं संकरण क्या है कि जब दो अलग अलग, अलग लक्षणों वाले ये मान लीजिए कि क्या हो गया हमारा हो गया प्यार बच्चों याद रखिए कि लंबापन और ये हो गया बोनापन अब इसको क्या करेंगे प्यार बच्चों संकरण कराएंगे तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं प्यार बच्चों यहाँ पे याद रखिएगा जब दो दो अलग अलग लक्षणों वाले ये लंबापन लक्षण ये बौनापन लक्षण इन जीवों के बीच क्या निषेचन कराते हैं तो इस प्रकार को हम लोग क्या करते हैं प्यार बच्चों संकरण करते हैं जैसे यहाँ पे क्या करेंगे प्यार बच्चों यहाँ पे याद रखिएगा इसका हम लोग युग बनाएंगे तो यहाँ पे टी हो जाएगा और यहाँ पे भी टी होगा जैसे हमने आपको बताया था यहाँ पे क्या हो जाएगा स्मॉल टी स्मॉल टी फिर इसका जब संकरण कराएंगे तो क्या होगा कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी और कैपिटल टी स्मॉल टी आएगा है ना तो ये क्या होता है संकरण होता है ठीक है तो ये आप लोग याद रखिएगा तो यहाँ पे आपको याद कर लेना है कि संकरण से प्राप्त होने वाले संतान को ही हम लोग क्या कहते हैं संकरण कहते हैं तो इतना क्लियर हो गया चलिए अब देखिए कि यहाँ पे एक संकर संकरण क्या है अब देखिए एक संकल संकरण क्या है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है, है ना एक संकल संकरण क्या है हमने संकरण आपको समझा दिया कि ऐसे ही होता है हमने संकरण आपको समझा दिया कि संकरण कुछ इस टाइप का होता है ठीक है अभी आगे आपको पूरा और समझ में आएगा लेकिन अब पूछा जा रहा है कि एक संकर संकरण क्या होता है तो समझिएगा यहाँ पे कि एक संकर संकरण क्या होता है तो जब एक जोड़ी या दो अलग अलग उपलक्षणों वाले जीवों के बीच संकरण कराया जाता है तो इस संकरण को हम लोग क्या कहते हैं प्यार बच्चों एकल संकर संकरण कहते हैं समझिएगा क्या है कि जब एक

ठीक है यहां पे समझिएगा कलर चेंज कर लेने दीजिए देखिए इसका कराएंगे संकरण स्मॉल टी के साथ फिर इसी का संकरण कराएंगे इसके साथ फिर इसका संकरण कराएंगे इसके साथ फिर इसका संकरण कराएंगे इसके साथ तो जो हमारे पास प्राप्त होगा ये क्या होगा कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी और फिर प्यार बच्चों कैपिटल टी स्मॉल टी और फिर कैपिटल टी स्मॉल टी तो ये हमारे जो कहलाएंगे ना एक संकर प्यारे बच्चों क्या कहलाएंगे प्यारे बच्चों याद रखना है कि क्या क्रॉस कहलाएंगे यानी शुद्ध बौनापन याद रखिएगा जैसे एक यहां देखिए या दो अलग अलग उपलक्षण यानी शुद्ध बौनापन और शुद्ध लंबापन को हम कराते हैं ये शुद्ध बौनापन या शुद्ध लंबापन यहाँ पे फिर से समझिएगा क्योंकि यह सब समझना अगर आप समझ गए तो प्यार बच्चों आपको अभी बहुत कुछ समझना बाकी है जैसे हम क्या कर दिए पूरा शुद्ध लंबापन लंबापन क्या हो गया हमारा लंबापन को टीटी से दर्शाते हैं ठीक है और शुद्ध बौनापन क्या होगा स्मॉल टी स्मोल नहीं होगा बौनापन को हम इसी से न दर्शाते हैं जब इसका हम क्या बनाएंगे क्या बनाएंगे।, बनाएंगे तो इसका टी और टी और याद रखिएगा जब इसका हम संकरण कराएंगे तो इसका एक बार कराएंगे स्मॉल टी के साथ फिर इसी का कराएंगे स्मॉल टी के साथ फिर इस टी का स्मॉल टी के साथ फिर इस टी का स्मॉल टी के साथ तो ये कराएंगे तो हमको क्या प्राप्त होगा कैपिटल टी स्मॉल टी फिर क्या

तो ये आपको याद रखना है चलिए आगे और भी चीजें बताएंगे जो आपके लिए महत्वपूर्ण होगा अब देखिए द्विशंकर संकरण क्या है जब दो जोड़ी अलग अलग उपलक्षणों वाले जीवों के बीच क्या किया जाता है संकरण कराया जाता है तो उसे हम लोग द्विशंकर कहते हैं जैसे प्यारे बच्चों अगर आपसे पूछा जाए द्वित इसमें क्या करना है कि जब दो अलग अलग यहाँ पे क्या उपलक्षण लेने हैं है ना दो अलग अलग उपलक्षण लेने और उनके बीच में क्या कराएंगे संकरण कराएंगे तो उसे हम लोग क्या कहेंगे द्विसंकर लक्षण कहेंगे इसको प्यारे बच्चों आगे पढ़ेंगे हम लोग मंडलवाद में वो आपको पूरा समझ में आ जाएगा ठीक है तो यहाँ तक आपको आ गया अब देखिए प्रशिक्षण संकरण क्या होता है टेस्ट क्रोस क्या होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि टेस्ट क्रॉस क्या होता है आपके एग्जाम में भी आ सकता है तो यहाँ पे समझिए कि जब प्रथम पीढ़ी यानी F1 से प्राप्त यहाँ पे देखिए संकरण संतान का संकरण उसके अप्रभावी जनक के साथ कराया जाता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं प्यारे बच्चों प्रशिक्षण संकरण कहते हैं उदाहरण के लिए टीटी -टी और प्यारा बच्चों इधर क्या हो गया टीटी अप्रभावी -टी यहाँ आप देखिए संकरण संतान हमको हम, हम यहाँ पे प्यारे बच्चों जब हम संकरण क्रॉस कराए थे तो हमको क्या प्राप्त हुआ था टीटी -टी प्राप्त हुआ था देखिए इसमें क्या कर रहा है जो लंबापन पौधा है ना बौनेपन पौधे के प्रभाव को दर यहाँ पे क्या खत्म कर दे रहा है इसमें ठीक है इसमें क्या हो रहा है अब यहाँ पे आप लोग समझिएगा कि परीक्षण यहाँ पे क्या है परीक्षण यहाँ पे टेस्ट क्रॉस क्या है तो जब प्रथम पीढ़ी एफ से प्राप्त संतान प्रथम पीढ़ी एफ से क्या होगा जो प्राप्त संतान होगा प्यारे बच्चों याद रखना है यहाँ पे उसका यहाँ देखिए अपरभावी जनक के साथ क्या कराया जाता है प्यारे बच्चों उसके अपरभावी जनक के साथ कराया जाता है संकरण तो उसे हम लोग क्या कहते हैं प्रशिक्षण संकरण कहते हैं तो यहाँ पे आपको याद रखना है सबसे पहला कि प्रशिक्षण संकरण क्या होता है फिर से वही बात है यहाँ पे याद रखिएगा कि प्रशिक्षण संकरण जब प्रथम पीढ़ी से प्राप्त संकरण संतान तो प्रथम पीढ़ी में हमको क्या मिला जब पहली बार कराए यहाँ पे प्रथम संकरण यानी F1 का हमने निकाला था F1 का मतलब क्या प्रथम संकरण में हमको क्या मिला था TT मिला था यानी इस TT को क्या करना है इस TT को एक कैपिटल टी स्मॉल T अब क्या करना है संतान जो होगा प्यार बच्चों यहाँ पे कि प्रथम पीढ़ी F1 से प्राप्त संकरण संतान का यहाँ पे संकरण उसके अप्रभावी जनक तो अप्रभावी जनक क्या होते हैं हमारे टी टी क्या होते हैं अप्रभावी हो जाते हैं क्योंकि हमने यहाँ पे आपको बताया है कि इसमें क्या करता है लंबापन जो होता है बौनेपन को अप्रभावित कर देता है हम कई बार आपको समझा चुके हैं अभी तो ये क्या हो जाएगा अप्रभावी हो जाएगा अब इसका क्या करना है हमको संकरण करना है थोड़ा सा गैप में कर, गैप में करने दीजिए ताकि समझ में आए ये देखिए क्या है कि जब प्रथम पीढ़ी से प्राप्त संतान तो प्रथम सीढ़ी से एकल संकर संकरण में हमको क्या प्राप्त हुआ देखिए एकल संकर संकरण में हम यानी F1 में हमको क्या प्राप्त हुआ था यहाँ पे कैपिटल टी स्मॉल टी प्राप्त हुआ था तो हम क्या करेंगे प्रथम में क्या लिखेंगे कि जब प्रथम पीढ़ी एफ से प्राप्त संकरण क्या कैपिटल टी स्मॉल टी का क्या करेंगे संकरण कराएंगे अप्रभावी जनक के साथ तो अप्रभावी क्यों है इसमें स्मॉल टी स्मॉल टी क्या होता है अप्रभावी हो जाता है तो इसका संकरण कराएंगे तो पहले युग्मक बना लेते हैं इसका युग्मक बनेगा टी इसका युग्मक बनेगा क्या प्यार बच्चों यहाँ पे याद रखिएगा इसका युग्मक क्या बनेगा इसका युग्मक बनेगा एक मिनट कैसे गया जी चलिए फिर से करते हैं यहाँ आप देखिए जो F1 है कैपिटल T स्मॉल t F1 PD का यहाँ पे अरे कहाँ चला जा रहा है यार यहाँ देखिए अब देखिए कि जब प्रथम पीढ़ी का हो गया तो इसका ये जो युग्मक बनेगा ना कैपिटल टी या स्मॉल टी बनेगा ठीक है अब इसका हम युग्मक बनाएंगे तो इसका क्या बनेगा इसमोल टी और एस्मॉल टी अब इसका हम संकरण कराते हैं तो जब संकरण कराएंगे प्यारे बच्चों तो यहाँ पे याद रखना है संकरण कैसा होगा इस टी का एक बार इस टी के साथ फिर इसी टी का एक बार इस टी के साथ फिर स्मॉल टीका या स्मॉल टी के साथ फिर स्मॉल टीका स्मॉल टी के साथ तो हमारा बनेगा क्या टीटी टी और टीटी बनेगा यानी प्यारे बच्चों यहाँ पे क्या बनेगा एको कैपिटल टी के साथ क्या स्मॉल टी का कराया हैं तो ये हमारा टीटी बना फिर कैपिटल टी का ही हम क्या कराएं स्मॉल टी के साथ कराएं तो ये हमारा क्या कैपिटल टी स्मॉल टी बन गया अब देखिए स्मॉल टी का स्मॉल टी के साथ कराए है तो यहां पे स्मॉल टी और स्मॉल टी हो गया है ना ये स्मॉल टी ये स्मॉल टी हो गया ठीक है फिर क्या करेंगे इसी स्मॉल टी का क्या करेंगे इसके साथ कराएंगे तो ये भी हमारा क्या हो गया स्मॉल टी हो गया और स्मॉल टी हो गया तो इस प्रकार के जनक को हम लोग क्या कहेंगे प्रशिक्षण यानी टेस्ट क्रॉस कहेंगे इसमें क्या होगा प्यारे बच्चों कि यहाँ पे देखिए एक तो हो रहा है कैपिटल टी और स्मॉल टी और दूसरा यहाँ पे हो रहा है कैपिटल टी और स्मॉल टी लेकिन प्यारे बच्चों फिर क्या हो रहा है स्मॉल टी स्मॉल टी और फिर क्या हो रहा है स्मॉल टी स्मॉल टी यानी इसमें क्या हो रहा है कि जो यहाँ पे बौनापन पौधा है ना वो भी अपने प्रभाव को दर्शा रहा है यहाँ पे क्या कर रहा है लंबापन अपने प्रभाव को दर्शा रहा है लेकिन बौनापन भी क्या कर रहा है अपने प्रभाव को दर्शा रहा है इसी को हम लोग क्या कहते हैं टेस्ट क्रोस कहते हैं और इसका जीनोटॉपिक अनुपात यानी जीनी संरचना की बात किया जाए इसमें जीनी संरचना क्या है इसका भी एक है इसका भी एक है यानी जीनोटॉपिक अगर आपसे पूछा जाए जीनोटॉपिक अनुपात अगर इसका पूछा जाए जीनोटॉपिक अनुपात क्या निकलेगा इसका एक इसका भी है और एक इसका भी है तो इसका जीनोटॉपिक अनुपात ये है तो अगर आपसे यहाँ पे टेस्ट क्रॉस पूछा जाए तो आपको सिर्फ लिखना है कि जब प्रथम पीढ़ी यानी एफ वन यानी प्रथम संकरण से प्राप्त प्रथम संकरण से हमको ये प्राप्त हुआ फिर अप्रभावी जनक अप्रभावी कौन सा होता है जो स्मेल होता है वो स्मॉल होता है वो तो इसका जब कराएं तो हमको ये प्राप्त हुआ ये क्या कहलाता है तो टेस्ट क्रॉस कहलाता है ठीक है अब देखिए अप्रभावी लक्षण क्या होते हैं अप्रभावी लक्षण क्या होते हैं इसको भी समझिएगा तो जब एक जोड़ी उपलक्षण वाले जीवों के बीच जब एक जोड़ी क्या किया जाता है जब एक जोड़ी उपलक्षण वाले जीवों के बीच निषेचन कराया जाता है तो प्रथम पीढ़ी में दिखाई देने वाले लक्षण को अप्रभावी लक्षण कहते हैं जैसे लंबापन लंबा है का मतलब यह है कि जब एक जोड़ी लक्षण वाले जीवों के बीच निषेचन कराया जाता है तो प्रथम पीढ़ी में दिखाई देने वाला प्रथम पीढ़ी में क्या था एगो टी था एगो स्मॉल टी था है ना उप वाले लक्षण को प्रभावी लक्षण कहते हैं उदाहरण के लिए लंबापन और पीले बीज तो यहां पे आपको इसको भी ध्यान कर लेना है ठीक है प्रभावी क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों टी टी प्रभावजनक होता है यानी याद रखिएगा प्रभाव, प्रभाव को दिखाता है और अप्रभावी क्या होता है स्मॉल टी, टी ठीक है तो ये आपको याद रखना है ठीक है चले बहुत बढ़िया समझ में आ गया अब देखिए अब यहां देखिए अब पूछा जा रहा है कि प्रभावी लक्षण तो आपको समझ में आ गया अब यहाँ पे समझिएगा कि अप्रभावी लक्षण किसे कहते हैं तो अप्रभावी लक्षण किसे कहते हैं तो जब एक जोड़ी अलग अलग उपलक्षणों वाले जीवों के बीच जब एक जोड़ी क्या अलग अलग उपलक्षणों वाले के जीवों के बीच प्रथम पीढ़ी में यहाँ पे प्रथम पीढ़ी में दिखाई न देने वाले लक्षणों के

प्रथम पीढ़ी में न देने वाले मतलब दिखाई न देने वाले यहां पे लक्षणों को हम लोग क्या कहते हैं अप्रभावी करते हैं उसमें कौन सा ये स्मॉल टी था वो क्या हो गया था प्यारे बच्चों अप्रभावी हो गया था इसमें क्या कौन सा अप्रभावी हो गया था हमने आपको बताया कि जब हमने संकरण कराया यहां पे प्रथम में तो प्यारे बच्चों इसमें क्या बोनापन जो था यानी स्मॉल टी जो था क्या था अप्रभावी हो गया था अप्रभावी हो जाता है क्या बोना यानी स्मॉल टी क्या होता है अप्रभावी होता है बाकी जो लंबापन है वो प्रभावी हो जाता है अपने प्रभाव को दिखाता है लेकिन जो बोनापन होता है वो अपने प्रभाव को नहीं दिखला पाता है वही चीज है तो यहाँ पे अप्रभावी लक्षण भी आपको समझ में आ गया होगा अब यहां पे पढ़ेंगे मेंडलवाद ठीक है तो प्यारे बच्चों इतना आप लोग पहले समझ लीजिए उसके बाद से अगली क्लास में हम लोग क्या करेंगे मेंडलवाद को पढ़ेंगे तो इतना अगर आपको पूरा समझ में आ गया होगा तो आपके प्यारे बच्चों जो मेंडलवाद पढ़ाएंगे वो भी आपको हंड्रेड परसेंट समझ में

नवासी पैंतीस आप इस पे फटाफट फड़ से संपर्क करके जल्दी से जल्दी प्यारे बच्चों कोर्स ले लीजिए और बताइए कि क्लास कैसा लगा इसका ये वन क्लास था सेकंड क्लास में इसको पूरा निपटा दिया जाएगा क्योंकि इतना अगर आप लोग पहले बेसिक जान लेते हैं उसके बाद से जब कराएंगे ना मिंडल वाक तो आपको पूरा समझ में आएगा तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में आप लोग अपना ध्यान रखिए मन लगा पढ़ाई कीजिए टेक केयर एंड बाय